हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका ZPSSB जूनियर क्लर्क के लिए आपके लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो कहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया, एप्लीकेशन फी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपके लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं जूनियर क्लर्क के एंड अकाउंट्स क्लर्क क्लास थर्ड का, और यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज मिल जाती है 1181। और एप्लीकेशन मोड आपका क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। कैटेगरी क्या होगी, गवर्नमेंट कैटेगरी है। आप जॉब लोकेशन यहाँ पे बताया गया गुजरात में। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। एज लिमिट आपका 18 to 36 ईयर्स होना बताया गया यहाँ पर, मिनिमम आपका 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 26 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपका बताया गया ST SC वालों के लिए 5 ईयर्स और OBC वालों के लिए 3 ईयर्स। और आपका सैलरी क्या बताया, अभी बताया नहीं गया। सिलेक्शन मोड आपका क्या होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होंगे आपका, वो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाली है, आप जनरल है तो 100 रुपीज़ आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी है, और अदर कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं है। तो आपका इस स्टार्टिंग डेट, मतलब एप्लीकेशन का फॉर्म का स्टार्टिंग डेट आपका 18 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, 8 मार्च को आपका लास्ट डेट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या मांगा गया है यहाँ पे बोल बताया गया है, 12th पास होना चाहिए आपका, उसमें मैथ होना चाहिए आपका, और यहाँ पे आपको कुछ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपीज़ लगने वाले जनरल वालों के लिए, और यहाँ पे मिनिमम आपका एज 18, मैक्सिमम आपका 36 ईयर्स, सैलरी अभी नहीं बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये गुजरात की तरफ से आपके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है किस कैटेगरी के लिए कितने हैं, तो आप ऐसे ही अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट चूज़ कर लेने हैं, गुजरात पंचायत सेवा, और यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई कर क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेने हैं, तो अप्लाई विथ OTR, और अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप ये कुछ दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप उनको पढ़ के आप एग्री पे क्लिक कर लेना है। तब आपको यहाँ पर अपना सर नेम, फर्स्ट नेम, हस्बैंड या फिर फादर नेम, मदर नेम, आपको जेंडर क्या है वो, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट जेंडर, रिसर्च जेंडर क्या है वो, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपको मैरिटल स्टेटस, आपका कैटेगरी क्या है आपकी वो फिल कर लेनी है, और यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स देने हैं, जैसे कि पर्सनल प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है यहाँ पर, और पिन कोड, मोबाइल नंबर, रिटाइप मोबाइल नंबर, स्टेट, अगर आपके पास दो एड्रेस है तो आप दो एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर एक ही है तो एक ही कीजिए। और यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स कुछ दिए गए हैं वो आप फिल करके आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, फिर डिक्लेरेशन पे यस पे क्लिक करके आपको शेप पे क्लिक कर लेना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।